ग्राम कांसुल के नरसिया फलिया स्थित आवागमन का एकमात्र साधन पुलिया बहापाड़ में ग्राम कांसुल के नरसिया फलिया स्थित आवागमन का एकमात्र साधन पुलिया बह गया। बाढ़ में पंचमल जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम कांसुल स्थित नरसिया फलिया में निर्मित पुलिया बरसाती बाढ़ में दो टुकड़ों में बट गया है। पुलिया का उत्तर दिशा की तरफ का आधा हिस्सा यथावत है, वही दक्षिण दिशा में आधा हिस्सा नदी की बाढ़ में बह चुका है। ज्ञात हो ग्राम कांसुल के नरसिया फलिया के लगभग 25 परिवार वर्तमान में आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं, किंतु कई बार उक्त समस्या के संबंध में संबंधितों को आवेदन देने के बावजूद आज तक कोई समाधान नहीं किया गया। उक्त पुलिया के आधा बह जाने से सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि 25 लाख रुपए का पुलिया दो हिस्सों में कैसे टूट सकता है, और अगर नदी के पानी का बहाव या वेग अधिक ताकतवर था तो उक्त पुलिया का आधा हिस्सा अपने स्थान से कहां गायब है। यह एक विचारणीय विषय है। अगर एस्टीमेट के अनुसार 25 लाख रुपए निधि 25 लाख रुपए की राशि का पुलिया एस्टीमेट के आधार पर अगर वास्तविक एस्टीमेट अनुसार सामग्री में बनाया जाता तो 25 लाख रुपए का पुलिया दो हिस्सों में टूटकर एक आधा हिस्सा उसका गायब न होता। यह बहुत ही विचारणीय और जांच पड़ताल वाला विषय है। भ्रष्टाचार किस चरम पर होगा इसका अंदाजा उक्त पुलिया की यथास्थिति देखकर लगाया जा सकता है। बताया जाता है कि उक्त पुलिया RES विभाग का है। यूनिट इंडिया न्यूज से विधानसभा पांचमल से ज्ञानेश्वर लाड की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विक्रम ठाकरे। क्या समस्या है आप लोगों? ये पुल भेज गया सर, ये पुलिया नदी ले गई, निकलने आने के जाने की समस्या हो गई। अच्छा, कब बना था ये? ये कुछ साल बाद बना है। अच्छा, तो आने जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है? कहीं नहीं, ये रास्ता है। यही एक रास्ता है? ये रास्ता है। बच्चे स्कूल से किधर आते जाते? ये रास्ता है, इधर से निकलते है, उतारना पड़ता। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम से दादा? दीवान। और कहाँ रहते तुम? नरसिया फलिया कांसल। अच्छा, और क्या समस्या है दादा तुम्हारी? क्या आने जाने पुलिया टूट गई था, फते गई नहीं, मत भी परेशानी से खत लाने का ही करना है। अच्छा, और ये कब टूटा? ये अभी टूटा, अभी टूटा, खुद लगा देते हैं, लेकर चला गया पूरा पानी को। अच्छा।